नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं माई मोटर गाड़ी का यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हिल के ऊपर यानी पहाड़ों के ऊपर ड्राइविंग कैसे की जाती है। जो लोग पहाड़ों में पहले से रहते हैं उनको पता है कि कैसे ड्राइविंग की जाती है, लेकिन जो लोग प्लेन्स में रहते हैं वो जब घूमने के लिए पहाड़ों में जाते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि रोड्स एज कम्पेयर टू नीचे की तरफ पहाड़ों में थोड़े छोटे होते हैं और पहाड़ों में ब्लाइंड स्पॉट हर मोड़ पे होते हैं, यानी ब्लाइंड स्पॉट में जहाँ पर हमें इनकमिंग ट्रैफिक के बारे में कुछ पता नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे स्पॉट होते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको दो टिप्स बताना चाहूँगा पहाड़ों में जाने से पहले। पहला, अपने गाड़ी का टायर प्रेशर ज़रूर चेक करते रहें, क्योंकि कहीं पर भी टायर के अंदर हवा कम मिलेगी तो आप कहीं पर भरवा नहीं पाएंगे, क्योंकि पहाड़ों में एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स पहाड़ों में बहुत ही कम जगह पर दुकानें होती जहाँ पर आप अपनी गाड़ी को ठीक करवा सकते हैं। पहली टिप ये है कि अपना टायर का प्रेशर हमेशा चेक करके फिर ही पहाड़ों पर जाएं, या फिर एक टायर इन्फ्लेटर साथ में रखें, जिससे क्या होगा, जब आपकी गाड़ी में टायर पंचर होगा या फिर कम हवा रहेगी तो आप आराम से उसमें हवा भर सकते हैं। दूसरी बात, पेट्रोल की टंकी हमेशा फुल करवा के चलें, क्योंकि पहाड़ों में हर जगह पेट्रोल की या फिर डीजल की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो पेट्रोल पंप मिलने के लिए आपको काफ़ी दूर तक ट्रैवल करना पड़ सकता है। इसलिए सबसे पहले अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवा के चलें। ये तो थी दो बोनस टिप जो मैंने आपको पहले ही दे दी। अब बात करते हैं हिल के ऊपर ड्राइविंग के लिए। देखिए, हिल की ड्राइविंग थोड़ी सी अलग होती है एज़ कम्पेयर टू हाईवे या फिर कोई भी सिटी के अंदर ड्राइविंग। सिटी के अंदर आराम से हम 50-60 की स्पीड में चल सकते हैं, लेकिन हिल के ऊपर पहाड़ों के रस्तों के ऊपर आप 50-60 की स्पीड नहीं जा सकते। आपको मैक्सिमम सेकेंड गियर में चलना है या फिर थर्ड गियर में लोअर स्पीड के ऊपर चलना है माइलेज निकालने के लिए। अगर आप उससे ऊपर जाते हैं तो आप सोच लीजिए कि आप अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, क्योंकि एक तो रास्ते भी छोटे होते हैं, दूसरा हर मोड़ के ऊपर आपको पता नहीं ट्रैफिक कैसा हो, वैसे ही आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस और बढ़ जाएगा, वहाँ पर आपको एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप दिन में पहाड़ों में ड्राइव कर रहे हैं, दिन में हिली रास्ते पर ड्राइव कर रहे हैं, तो हर टर्न के ऊपर आपको हॉर्न बजाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने उस हॉर्न के ऊपर हाथ रख लिया, नहीं, जैसे आप टर्न लेने वाले होंगे उससे थोड़ी देर पहले ही आपको एक पैटर्न में हॉर्न बजाना होगा, जिससे आगे वाले को मालूम चल सके कि हाँ कोई गाड़ी सामने आ रही है। और अगर आप रात में ड्राइव कर रहे हैं तो आपको एक और बेनिफिट मिलेगा, आप डिपर का यूज़ कर सकते हैं, लाइट को हाई बीम लो बीम करके आप आगे वाले को बता सकते हैं कि मैं इस रास्ते पे आ रहा हूँ और काफ़ी नज़दीक हूँ, तो आगे जो इनकमिंग ट्रैफिक है मोड़ के ऊपर, टर्न के ऊपर की बात कर रहा हूँ, वो अपनी स्पीड वैसे ही कम कर लेगा। अगली जो टिप है वो उन लोगों के लिए है जो अपनी स्पीड को बना के रखना चाहते हैं और उनको सब्र नहीं होता कि हमारे सामने कोई गाड़ी चल रही है। तो ऐसे लोगों के लिए टिप है कि पहाड़ों के ऊपर ओवरटेक करने से पहले आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, आपको टर्न के ऊपर ओवरटेक नहीं करना, चाहे आप लेफ्ट टर्न ले रहे हो चाहे राइट टर्न ले रहे हो, टर्न के ऊपर आपको ओवरटेक बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आप ओवरटेक करना चाहते हैं तो ओवरटेक करने से पहले ये देख ले कि आपको दिख रहा है कि इनकमिंग ट्रैफिक में कोई भी कार नहीं, यानी कि आपकी ऑपोजिट लेन में कोई गाड़ी आ नहीं रही हो, तभी आप ओवरटेक कर सकते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे कि मैं बीच से निकाल लूँगा, टर्न के ऊपर निकाल लूँगा, तो डेफिनेटली आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए, जब सिंगल लेन रोड होता है तब तो आपके पास कोई चांस नहीं, आपको रोड के बीच में ही चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि कब आपकी गाड़ी खाई में गिर जाए या फिर कब आपकी गाड़ी पहाड़ में घिसते हुए चली जाए। लेकिन कई जगह पे डबल लेन का रोड भी होता है, ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम रोड के एकदम बीच में चलाते हैं। ऐसा मत कीजिए, अवॉइड कीजिए ऐसा, क्योंकि कई बार होता है क्या है कि हम पहाड़ों को देखने में गुम हो जाते हैं, कई बार ड्राइवर भी थोड़ा इधर उधर देखने लग जाता है सीनरी को, तो होता क्या है, इनकमिंग ट्रैफिक से आपका एक्सीडेंट हो सकता है। हर बार कोशिश कीजिए कि अपनी लेन के अंदर ही चलाएं, चाहे कैसा भी टर्न हो चाहे कैसा भी मोड़ हो। इससे क्या होगा, आपकी एक हैबिट बन जाएगी कि आप ऑपोजिट लेन के अंदर जाएंगे नहीं। अगर आपकी हैबिट बन गई ऑपोजिट लेन में ना जाने की, अपनी लेन में चलाने की, तो आप सीनरी को इंजॉय करते हुए भी जाएंगे तो भी आप लेन को क्रॉस नहीं करने वाले। तो ये हैबिट बना के रखिए कि मैं अपनी लेन में ही गाड़ी चलाऊंगा, चाहे कितना भी लंबा टर्न हो, चाहे रोड खाली हो, कोई भी नहीं आ रहा हो। हाँ, ओवरटेक करते टाइम तो आपको डेफिनेटली लेन क्रॉस करनी पड़ेगी या फिर कोई ऑब्स्टिकल आ गया तब क्रॉस करनी पड़ेगी, उन सिचुएशन की बात नहीं कर रहा मैं, वैसे बात कर रहा हूँ जनरली। अब मान लीजिए आप हिल पे नीचे उतर रहे हैं, पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं, तो आपको टर्न लेना है, लेकिन टर्न लेते टाइम पे सामने वाला हॉर्न बजाता हुआ आ रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मैं निकाल लूँगा। ऐसी कंडीशन के अंदर अपनी स्पीड थोड़ी और बढ़ाते हैं तो होगा क्या, इससे होगा ये कि जो ऊपर चढ़ते हुए आ रहे हैं उनका मोमेंटम टूट जाएगा। मोमेंटम टूटने से क्या होता है, एक्चुअली होता है जब ऊपर को चढ़ रहा होता है गाड़ी तो उसके पीछे काफ़ी सारी गाड़ियाँ होती हैं। अगर आपके पास फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है तो आप ऐसी स्टीप चढ़ाई पे चढ़ने से बचें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव थोड़ी सी कम केपेबल होती है ऊंचाई वाले जगहों पे चलने के लिए,
तो वो फंस सकती है, और अगर फंस गई तो पीछे वाली गाड़ियों को बहुत दिक्कत होने वाली है, या फिर आपकी गाड़ी लुढ़क के नीचे गिर भी सकती है, फिसल के गिर सकती है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रियर व्हील ड्राइव बहुत ही कैपेबल होती है पहाड़ों पर चढ़ने के लिए। इसलिए पहाड़ों में आप देखेंगे मैक्सिमम बोलेरोज होती हैं, जो फोर्स क्रूजर होती है वो होती है, टाटा सूमो होती है, सफारी होती है, फॉर्चुनर होती है, बहुत सारे लोग ऐसी गाड़ी चलाते हैं जिसमें रियर व्हील ड्राइव हो, वो चलाने में काफ़ी आसान होती है। आप लोग बोलेंगे ऑल्टो भी चलाइए, ऑल्टो चलाते हैं क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वैसे ही नीचे होता है, उस गाड़ी का वेट बहुत ही कम होता है, उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे आज की टाइम की गाड़ियाँ जिसमें हाई ग्राउंड क्लियरेंस आ रही है, उनमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ा ऊंचा होता है, जिसकी वजह से गाड़ी जब ऊपर चढ़ने लगती है तो गाड़ी का वेट और पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो आगे वाला टायर के पास ट्रैक्शन बहुत ही कम बचता है। तो अगर फ्रंट व्हील ड्राइव चला रहे हैं तो पहाड़ों में इतना रिस्क ना लें कि कहीं ऐसी जगह पर चढ़ाने की कोशिश करें जहाँ पर नॉर्मली गाड़ी चढ़ती ना हो। समझ रहे, इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे ये जो गाड़ी है इसको चढ़ने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, ये है फोर्स क्रूजर और ये रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है। तो यही सारी टिप्स थी मेरे पास आपको बताने के लिए हिल ड्राइविंग पे आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपके पास भी कोई ऐसी टिप है जो मैं छोड़ दी है, जो मैंने यहाँ पर छोड़ दी है, जो मैंने बताई नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या फिर मैं इंस्टाग्राम हैंडल माई मोटर गाड़ी पर जाकर, या फिर मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल विक्रम सिंह अंडरस्कोर इंस्टा के ऊपर जाकर मुझे DM कर सकते हैं, या फिर कोई और टॉपिक जिसके बारे में आप जानना चाहते हो उसके बारे में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। मिलता आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।